हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज RS। आज मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, फिनोल की अम्लीय प्रकृति। देखिए दोस्तों, फिनोल अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है, कारण हम बाद में भी इसके कारण और पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा एक कारण है वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, फिनोल इस प्रकार, इस फिनोल की संरचना होती है जो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। जो वीडियो है वो मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। देखिए फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु हैं, इन परमाणु में ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा होने के कारण ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित हो जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है वो बढ़ जाता है, जिससे ये जो बॉन्ड है वो दुर्बल हो जाता है, और ये जो H है H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। इसलिए ये जो फिनोल है अम्लीय प्रकृति का होता है। और दूसरी ये भी कारण है कि जो फिनोल की अपेक्षा जो फिनोक्साइड आयन होता है वो ज़्यादा प्रबल होता है। फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली जो अभिक्रियाएँ हैं वो देख लेते हैं। पहली अभिक्रिया है सोडियम अथवा पोटेशियम, यानी सक्रिय जो धातु होते हैं उनके साथ क्रिया। देखिए, हम अगर इसकी रिएक्शन देखें तो देखिए, ये C6H5OH ये फिनोल है, इसकी सोडियम से क्रिया करवाएं, दो सोडियम काम में आएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2C6H5ONA+H2O ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो O और H के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटा है, और H के स्थान पर ये जो सोडियम है वो आ जाता है। तो इस प्रकार पहली अभिक्रिया तो ये थी जो कि अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। दूसरी जो अभिक्रिया है शार्कों के साथ अभिक्रिया, मतलब C6H5OH इसकी क्रिया शार्क से करवाएं, NaOH से इसकी क्रिया करवाएं, तो C6H5ONA+H2O इस अभिक्रिया के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूटा है। अगली जो अभिक्रिया हम देखें जो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है, GR से, मतलब गिरनार अभिकर्मक से। देखिए, C6H5OH और इसकी गिरनार अभिकर्मक से क्रिया कराएं, MgX। तो यहाँ पर भी जो O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो ही टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, C6H5OMgX ये तो अलग हो गया, और साथ में R और H, ये जो R था और ये H, ये दोनों क्रिया कर लिया और जो एल्केन है उसका निर्माण हो जाता है। तीसरा, अगर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करवाएं, C6H5OH+LiAlH4 ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इसकी क्रिया करवाएं तो LiAlOC6H5(4). तो यहाँ पर ये चार काम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे और साथ में हाइड्रोजन है वो निकल जाएगी, 4H2O। तो ये जो हमें प्राप्त हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम फिनोक्साइड, ये प्राप्त हो जाएगा, इसमें भी O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो ही टूट रहा है। और एक अम्लीय प्रकृति हम ये भी देख सकते हैं कि जो फिनोल है उसका अगर लिटमस पत्र के साथ हम जांच करें तो ये क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र है उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो ये फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं थी। अब अगले वीडियो के अंदर हम अम्लीय प्रकृति क्यों होती है इसके कारण हम समझेंगे। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए या आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।